नॉर्मल शॉर्ट जो वीडियो है वो किन बच्चों को देखना चाहिए और वो कितना हेल्पफुल रहता है एक नीट या जेईई एस्पिरेंट के लिए? एक्चुअली मैं वन शॉर्ट वीडियो का जो कॉन्सेप्ट आया था, जो बड़े वीडियोस होते हैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे के, उसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि अगर बच्चे को एक जगह सारा कंटेंट मिल जाए तो बच्चा अपने हिसाब से जब उसको लगे वो रिवाइज कर ले। जैसे हम लोगों ने एक सीरीज चलाई थी उम्मीद मंजिल सीरीज, काफी फेमस है वन शॉट की सीरीज, उसमें हम क्या करते थे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे में एक पूरा चैप्टर कराते थे और वहां पर टाइम स्टैम्प डाल देते थे कि भाई जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ तक है, इतने टाइम स्टेम में है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन यहाँ पर है, बेसिसिटी ये है, एसिडिटी ये है। तो बच्चे को ये लगता था कि यार अगर मुझे एसिडिटी वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो मैं सिर्फ इतना पार्ट देख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो उसको अलग अलग वीडियोज नहीं देखने पड़ते थे। पूरा हाँ चैप्टर पढ़ना। तो जैसे एक वीडियो था मेरा, उसमें तो बहुत सारे 30-40 लाख के ऊपर भी व्यू निकल गए, जीओसी का उम्मीद सीरीज का था वो बहुत चला वीडियो। वो चलने के पीछे हम लोगों ने एनालिसिस किया तो यही था कि हमने उसमें टाइम स्टैम्प डाल रखा है और बच्चा जिस हिसाब से जहां पे देखना चाहता है कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रही तो वो देख लेता है, इस टॉपिक में आ रही देख लेता है। तो हमने पूरा वन शॉट अच्छे तरीके से पढ़ाया था। कई बार क्या होता है वो चीजें अपन को टाइम लैप्स पे दिख जाती है कि इससे आसान हो जाता है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि वन शॉट से आप मतलब एकदम फुल कोर्स ही मान के चलो। वन शॉट एक तरीके से रिवीजन सीरीज होती है, आपने एक बार पढ़ लिया अब आपको रिवाइज करना है, वन शॉट सबसे बेस्ट ऑप्शन है।